चलते हैं सीधा फुलेरा की ओर, जहां से खबर सामने आ रही है कि हिंडौना रेलवे स्टेशन के समीप सैकड़ों रेल यात्री धरने पर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ उनकी मांगे भी हैं और सात सूत्री मांगों को लेकर के वह धरने पर बैठे हुए हैं। इसमें आप सभी को बता दूं कि अभी जब कोरोना का समय चल रहा था, तब इन छोटे स्टेशनों पर गाड़ियों को रोका नहीं जा रहा था और वहीं इसके चलते हुए सब यात्री शांति से बैठे हुए थे। लेकिन जब अब कोरोना का असर कम हो गया है, उसके बावजूद भी इन छोटे स्टेशनों पर ट्रेनों को रोका नहीं जा रहा है और इसी को लेकर के सात सूत्री मांगे इसमें रखी गई हैं। और आखिरकार ये मुद्दा क्या कुछ बयां कर रहा है, सीधा दिखाते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। फुलेरा के समीप हिंडौना रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों दैनिक रेल यात्री बैठे हुए धरने पर रेल समस्याओं को लेकर के सात सूत्री मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। दैनिक रेल यात्री संघ अध्यक्ष कनाराम कुमावत के नेतृत्व में यह धरना चल रहा है और एक सप्ताह पूर्व भी DRM के नाम स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा गया था। आप सभी को बता दूं, कोरोना काल के चलते हुए जहां छोटे स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया था, लेकिन अब कोरोना की स्थिति सामान्य होने के बाद भी इन स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव नहीं किया गया है, जिसको लेकर के आज फुलेरा के समीप हिंडौना रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में दैनिक रेल यात्री धरने पर बैठ गए। हिंडौना दैनिक रेल यात्री संघ अध्यक्ष कनाराम कुमावत ने बताया कि अजमेर से जयपुर जाने वाले शटल ट्रेन का ठहराव करने के साथ साथ रतलाम ट्रेन में MST चालू करने सहित सात सूत्री मांगों को लेकर के कई बार अधिकारियों को अवगत भी कराया, उसके बावजूद भी समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया था, जिसको लेकर के उन्हें आज धरने पर बैठना पड़ा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।